इस तरीके से आपके लेकर कपड़े पर सिलाई छोड़ देती है, जैसे सुई से नीचे आता है तो क्या होता है कभी कभी इतना आप यहाँ तक, अब यहाँ लगा होता है पेच, राड को पकड़ के ऐसे धीरे धीरे करते हैं, जब सुई टूटता है ना तो ये राड जो है। नमस्कार दोस्तों, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमारी जो सिलाई मशीन है बड़ी सिलाई मशीन, ये होजरी कपड़ा पर नहीं चल रही है। यहाँ होजरी कपड़ा जैसे लेकर होता है देख लीजिए, और कहीं कहीं होजरी बोलते हैं, और इसे जो होता है ये टी शर्ट पे और होजरी पे, और ये जींस होता है, और या पैंट का जब सिलाई करते हैं तो बेल्ट वगैरह पे जब टाकी मारते हैं तो वो भी छोड़ देती है सिलाई मशीन, बहुत परेशान हो जाते हैं। यानी काटन कपड़ा पे बहुत ही अच्छे से चलता है, और जैसे लेकर वगैरह पे चलाते हैं तो नहीं चलता है, सिलाई छोड़ देता है, और मोटे कपड़े पर टाकी बांधते तब भी सिलाई छोड़ देता है। इस तरीके से अगर आप परेशान हो जाते हैं तो देख सकते हैं ये सिलाई मशीन है। और अगर सिलाई मशीन आपकी होजरी कपड़े पर टी शर्ट पे नहीं चलती है, परेशान हो जाते हैं, तो करना क्या है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप सेटिंग कर लेते हैं तो आप किसी भी कपड़े की सेटिंग कर लेंगे, और नहीं कर पाते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको काटन कपड़ा ही सिलाई करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जब होजरी कपड़ा सिलाई करते हैं तो पेपर लगाकर सिलाई करते हैं, बोलते हैं होजरी पर नहीं चलता है, भाई सेटिंग की जरूरत होती है, सेटिंग की। आप सटल नया डाल दीजिए या पुराना डाल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। मतलब तो ये चीज है कि इसकी सेटिंग कैसे करना है, तो आपको सेटिंग समझाने के लिए अलग से ले लिए हैं शटल, और एक ले लिए हैं निडिल यानी सुई ले लिए हैं, और यहाँ पे पूरा शटल बॉबिन डिब्बी सेट ले लिए हैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से कि किस तरीके से आप सेटिंग कर पाएंगे। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे पहले मैं आपसे करूंगा बस छोटा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अयोध्या घूमने के लिए गए थे पूरे परिवार के साथ, वो भी वीडियो है ब्लॉग चैनल पे, जाकर के देख लीजिएगा, अपना प्यार दुलार दीजिएगा और रामलला का दर्शन भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिएगा, जब भी आपको आपका सिलाई मशीन लेकर कपड़े पर नहीं चलती है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या चेक करना है। यहाँ से आपको निकालना है प्लेट, ये प्लेट निकाल लेना है। प्लेट निकालने के बाद सबसे पहले आपको चेक करना है, यहां पे देखिएगा दिखाई दे रहा है या नहीं, ये जो सुई होती है ऊपर से जो सुई आता है देख लीजिए, सुई ऊपर से आता है और यहां पे जो सुई आ रहा है यहां पे, ये जो इस तरीके से सेटिंग है इस तरीके से होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जो कितना होना चाहिए कितना नहीं, ये सटल में हम समझाते हैं क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। अब ये देख लीजिए सटल है, और जब ये सुई ऊपर से इस तरीके से आता है देख सकते हैं, इस तरीके से सुई ऐसे नीचे आता है तो क्या होता है, कभी कभी इतना ही रहता है, ये देख सकते हैं इतना इतना ऊपर रहता है, थोड़ा सा सुई दिखता है ना इतना, तो इतना नहीं दिखना चाहिए, देख लीजिए मैं बता रहा हूं इतना ही होना चाहिए। ये सुई का जो निडिल है कम से कम है, आप यहां तक लाइए, यहां तक पहले आपको सेटिंग करना होगा राड। अब राड सेटिंग करने के लिए देख लीजिए, यहां से जो ये प्लेट लगा हुआ है मैं अभी खोल के दिखा रहा हूं, राड सेटिंग करने के लिए यहां से इस प्लेट को खोलिएगा और यहां से इसे निकाल दीजिएगा। अब यहां लगा होता है पेच, देख सकते हैं इसे, आज इस पेच को जब थोड़ा सा आप ढीला कर देंगे तो ये राड जो है ये ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये ढीला कर लीजिएगा, और अब ये टाइट कैसे करना है, इस राड को आप सुई लगा लीजिएगा इस तरीके से, और सुई लगाने के बाद राड जो है सबसे नीचे ऐसे ले लीजिएगा, और सबसे नीचे जब लेंगे तो ये सुई जो होता है ये सुई ऊपर रहेगा थोड़ा सा, तो इसे आप क्या करना है, राड को पकड़ के ऐसे धीरे धीरे करके और नीचे कर लेना। कितना नीचे करना है, अब यहां से देखिए सटल में, जब भी आप सटल में नीचे करिएगा राड, तो ये इस तरीके से राड नीचे करिएगा और यहां पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से इतना दूर आ जाए, इतना इतना टच हो जाए, यहाँ इसमें टच ना हो, डिब्बी जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसमें ना टच हो, ये थोड़ा सा ऊपर रहे, इतना इतना ऊपर रहे। आपको दिखाई दे रहा कैमरे में कि नहीं दिखाई दे रहा, देखिएगा ये जो दिखाई दे रहा सुई देख लीजिए, नीचे से थोड़ा गैप रहे, डिब्बी में ना टच हो बस, और कुछ नहीं, और इतना ऊपर कर देंगे तो आपका टाका हमेशा छोड़ देगा, देख लीजिए थोड़ी सी दिखाई दे रहा सुई, इतना मत करिएगा यहां तक, इतना करिएगा, जब इतना करेंगे तभी आपका टाका चलेगा। और यहां तक करने के बाद में दोस्तों क्या करना होगा, ये जो पेच है इसको टाइट कर दीजिएगा फुल टाइट। कभी कभी क्या होता है, जब सुई टूटता है ना तो ये राड जो है ऊपर चला जाता है, इसकी वजह से आपका टाकी छोड़ देता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से टाइट करिएगा, और ये टाइट करने के बाद सटल क्या करिएगा, आप खोल के निकाल दीजिएगा, सटल को निकाल दीजिएगा। क्यों निकाल दीजिएगा, इसकी सेटिंग जो होती है ये आउट हो जाएगा, अभी आउट हो जाएगा तो फिर से दोबारा आपको सटल खोल करके और इसका सेटिंग मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये सही होगा। तो राड यहां से ढीला करके आप सेट कर लीजिएगा पहले, और सटल को खोल दीजिएगा। अगर सटल सेट करना नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में वीडियो आ जाएगा छोटा सा, उस पर आप क्लिक करिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत बारीकी से मैं आपको समझाया हूं कि सिलाई मशीन का सटल कैसे सेट करें। तो सबसे मेन चीज राड को सेटिंग कर लीजिएगा, और सटल सेट करने के लिए दोस्तों इस वीडियो को देख लीजिएगा जो लास्ट में आ रहा है। तो वीडियो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दीजिएगा, और अगर नहीं समझ पाते हैं
तो भी कमेंट में बताइएगा कि नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए वीडियो बनाइए, मैं बना दूंगा दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।